खेत के आगे एक किला खड़ा है और उस आगे पाइप है। मेरी बेटी के ही पाइप आगे ऊपर गए विष्णु के रास्ते पे। जो नाला है वहां तो मैंने ट्राली में एक किला मेरा खाली पड़े बर्कोन रखे मैंने वो खाली पड़े नाला के मैंने सटांग मिट्टी में डाल रखी पूछो ही नहीं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। कहने को शहर में रोजगार नहीं है, लोग बहुत बेरोजगार हैं, काम धंधे पिटे हुए हैं, लेकिन कॉलोनी काटने वालों का धंधा खूब चल रहा है, जोरों पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, लोग उनसे बड़े आहत हैं। मैं इस वक्त हांसी के विधायक हैं विनोद भैना, उनकी कोठी के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं कुंदनापुर से। कुंदनापुर के पास में कॉलोनी काटी जा रही है और कॉलोनी काटने वाले झूठी सच्ची जो भी दावे करते हैं, प्लाट बेचना चाहते हैं, लेकिन प्लाट तो बेचे पर लोग बहुत तंग हैं उनकी कार्यप्रणाली से, उनके कारनामों से। और जो तंग लोग हैं गांव के, वो सारे इकट्ठे होके विनोद भैना के घर पर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनी काटने वालों ने बहुत तंग है, इनका इलाज कर दो, नहीं तो गांव वाले फिर खुद इलाज करेंगे। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। डाला कीजिए साहब, वास्तव में डाला के हम फोटो लेके आए, वीडियो लेके आए हैं, साथ में डंपर डलवा रखा है इन्होंने मिट्टी का। यादव जी आप एक बार आ जाओ, मौके पे देख लेते हैं। आप एक काम करो, आप इनको टाइम दो, मौके पे आप भी आ जाओ, ये भी मिल लेते हैं। अब बताओ किस टाइम भेजो इनको। आप भी जाओ काम करता सारा चलो राजपाल, आप मौके पे चले जाओ यार, अपन एक दूसरे को कोऑपरेट। चलो ठीक है, आप एक बार फिर भी मौके पे देख लो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है इसका। प्रॉब्लम हमारी पानी की निकासी की है। पानी की निकासी की प्रॉब्लम यह है कि हमारे गांव से निकासी थी नहीं, एक नाला था बनाया हुआ था जो आगे जाके डिस्पोज होता था कहीं, वो कॉलोनी काटने वाले ने उस कॉलोनी नाले को बंद कर दिया। बार बार हम उसको खुलवाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और वो फिर बंद कर देते हैं। तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं राणा साहब से कि भाई आप इन्हें जो है इसको उनसे कह के प्लीज़ हमारे गांव का पानी निकाला जाए और परमानेंट उसका सॉल्यूशन किया जाए। जो ये भट्टी है ना कुंदनापुर रोड पे सेक्टर के साथ में कॉलोनी काट रहे हैं, और ये जो है ना राजपाल है डाणा वाले, वो उनकी उनके साथ मिल के कॉलोनी काट रहे हैं। उनने डंपर जब टपाया ना, जो पाइप डाल रखी थी उसको बिठा दी गई, तो गांव का पानी वो रुक गया, उससे बाहर निकलने लगे। उन्होंने हमारे खेतों में जा रहे, कॉलोनी मार रहे हैं, उन्होंने आगे नाला बंद कर दिया। मैडम साहब, ये गांव वाले मिले थे कुंदनापुर के, ये परेशानी इनको हो रही है, कोई कॉलोनी कट रही है, उन लोगों से क्या मांग थी, क्या इनका समाधान निकला? ऐसा है सर्वेश जी, आज से 3 साल पहले ये लोग मेरे पास आए थे और इन्होंने अपनी समस्या से मुझे अवगत कराया था कि हमारे गाँव में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। मैंने उसी समय वीडियो को आदेश दे करके इनकी पानी की निकासी के लिए हमने लाइन डलवा दी थी। सर्वेश जी, कमी एक रह गई, वो 100 मीटर आगे और डलनी थी, वो ज्वाइंट होना था, क्योंकि इनके गांव की पानी की निकासी होने लग गई थी तो इनकी तकलीफ तो दूर हो गई थी। यह ना तो समस्या लेके दोबारा कभी मेरे पास आए, ना इन्होंने याद दिलवाया। उसके बाद कोरोना किसान आंदोलन आते रहे, हमारे भी दिमाग से उतर गई कि उसको कहीं ना कहीं ज्वाइंट करना था उसको। अब जब बरसात 3-4 दिन से भारी बरसात हो रही है तो वही समस्या एक बार फिर इनके आड़े आ गई। तो ये कह रहे हैं कि कहते हैं जो कॉलोनी काट रहे हैं लोग, उन्होंने दिक्कत पैदा कर दी। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैं पूरी बात सुनो मेरी। जो वो ज्वाइंट आके करना था, जहाँ तक वो लाइन बिछाई थी, उसके बाद उस कॉलोनाइजर का खेत पड़ता था। जो इनके गाँव का पानी आता था वो कॉलोनाइजर के खेत में जा रहा था, तो उसने बंद कर दी होगी निश्चित तौर पर, मैं मानता हूँ। अभी मैंने उस कॉलोनाइजर से बात की है, राजपाल यादव जी से बात की है, उसने ये कहा है कि अगर इनके गांव में पानी भरता है तो मेरे गांव में, मेरे खेत में छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनके सामने भी यही कहा है कि आप एक घंटा अभी जाके बेशक पानी तो काट दो, उसका खेत में छोड़ दो, और बाकी जो परमानेंट इंतजाम है वो आने वाले 3-4 दिन में हम कर देंगे। कॉलोनाइजर भी इनकी मदद करेगा, इनका पानी निकलवाने में उसको कोई वो समस्या पैदा नहीं करेगा।